बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का नहीं था, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। आप बीजेपी मत बोलिए, जितना भी यूथ आप देखते थे, हमने एक वहां पर एक बात सुनते थे कि पत्थरबाजी में यहाँ का यूथ जुड़ गया। क्यों जुड़ा, क्यों जुड़ा? तब बीजेपी नहीं थी, पीस है और डेवलपमेंट है। फिर आप ही कहती है मैंने इतनी सिक्योरिटी देखी, जब पीस है, जब सब कुछ नॉर्मल। नो नो, डोंट केयर। जब पत्थरबाजी बंद हुई, जो यहाँ का मेन इशू था यूथ का, जब वो बंद हुई, उसके बाद 2000 बच्चों ने, आपके जैसे युवाओं ने आर्मी ज्वाइन की। 1947 से जो यहाँ पे बना वो तो बीजेपी ने नहीं बनाया। एक टाइम पे गुफ्कार अलायंस को गुफ्कार गैंग का नाम दिया गया, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो इन्हीं लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है। 2014 से गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है, सरकार बीजेपी की है। बिल्कुल, 14 से आज तक 7 साल हो गए, 7 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, तो आप तो बदल सकते थे। वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर हमारी बहस व मुबाहसे का सिलसिला बदस्तूर जारी। 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ सियासी मंजरनामा जम्मू कश्मीर में बना, इस हवाले से हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हसब मामूल आज भी हमारे साथ एक अहम सियासी शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ है रीनू बाठिया, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा वेमेंस कमीशन की ये मेंबर भी है और फिल्म सेंसर बोर्ड की भी ये मेंबर है। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। रीनू जी, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। शुक्रिया। 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल को एब्रोगेट किया, शायद आपका ये पहला विजिट है। जी, उसके बाद मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई है, क्या कुछ देखा आपने जम्मू कश्मीर में, क्या कुछ बदला है? जैसे आपने मेरा तारुफ कराया कि मैं विमेन कमीशन से जुड़ी हूँ, तो मेरा एक पैशन है, शुरू से ही शायद है, चाहे औधों पे जब नहीं भी थी तब भी मेरा एक पैशन रहा कि महिलाओं से मैं बात करूँ, लेडीज़ की बात को समझूँ। तो मैं तब भी आई थी, मेरे पास शायद उसकी कहीं वीडियो क्लिपिंग भी होगी पुरानी, 2016-17 में भी मैं आई, तब की भी। तो उसमें मैंने लड़कियों से बहुत सारी इस तरह की बातें की। मैं दरगाह पर घूमने गई, वहाँ पर भी मैंने बात की। मैं नगीन लेक में थी तब बात की, तो अलग अलग जगह पर स्कूल कॉलेजेस की लड़कियों से बात की। तो उसमें आई थिंक सब लड़कियों को ऐसे लगता था कि वी शुड गेट मोर फ्रीडम फॉर एजुकेशन, फॉर वर्क, वी शुड कम आउट ऑफ द हाउस। तो ये चेंज एक मैंने देखा है। मैंने कल मैं हार्वन घूमने गई थी, वहाँ पर कोई स्कूल ट्रिप आया था, तो मैंने उनकी टीचर्स से बात की, वो भी क्लिपिंग मैंने रखी है। तो मैंने जस्ट उनको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, ये एक चेंज आया था, आपको उसके बारे में मालूम है? एक बात तो ये है कि कुछ नॉर्मल लेडीज़ को मालूम भी नहीं है, आम जनता को कई बार पता भी नहीं होता, लेकिन बहुत सी लड़कियों को पता था और उन्होंने बोला कि ये अच्छा चेंज है, एवरीबडी शुड गेट देयर राइट। सो दिस वॉज वेरी पॉजिटिव थिंग विच आई हर्ड, क्योंकि नॉर्मली जब पहले हम कश्मीर के बारे में सुनते थे या यहाँ के लोगों के बारे में सुनते थे, तो उनको लगता था कि कश्मीर कश्मीरियों के लिए है। अब वो खुद एहसास करने लगे हैं कि सबके लिए है। जैसे मैंने बहुत सारी बात करी कईयों से, तो कईयों ने मुझे बोला कि हम सर्दियों में दिल्ली आते हैं, हम लाजपत नगर में रहते हैं, हमारा वहाँ फ्लैट है, हमारा जंगपुरा में फ्लैट है, ओखला में फ्लैट है, बहुत लोगों ने मुझे ये बताया। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, ये एक पर्सनल आप समझ लें या आप एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसे राजनीतिक तरीके नज़रिए से देखें। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप दिल्ली में फ्लैट लेते हैं या हरियाणा में फ्लैट लेते हैं, राजस्थान में लेते हैं, तो आप प्राउड फील करते हैं कि हमारा वहाँ पर भी घर है, और अगर कोई वहाँ से यहाँ लेना चाहता है तो आप कहते हैं कश्मीर में हमारा कश्मीर है, हम रहेंगे, हमारे को नौकरी, हमारे को घर। तो ये एक डिफरेंस जो था वो अब ख़त्म हुआ है। मैम, आप बीजेपी के मेंबर हैं, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि आप स्पोक्स पर्सन भी हैं। मेरा बेसिकली जो क्वेश्चन था आपसे वो ये कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल को ख़त्म किया गया, आपको लगता है, क्योंकि आपका पहला विजिट है,
तो आपने कहा इससे पहले जब हमने गुफ्तगू की थी, आपने कहा कि मैं कश्मीर में ही मेरी एजुकेशन हुई, वो डिफरेंस मैं देखना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, बल्कि मैं तो उन सब बेटियों की बात करूँगी जो कश्मीर से दूर शादी होकर गई हैं। एक पहले जो आर्टिकल नहीं था और जो इसमें एक कानून था कि अगर आपकी शादी कहीं हो गई तो आपको कोई राइट नहीं है फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का, यहाँ पर आपका अपना कोई अधिकार जमाने का। तो मुझे लगता है आर्टिकल 370 से मेरे जैसी, मेरे समेत बहुत सारी लड़कियाँ खुश हैं। मेरी बहुत सारी मिलने वाली लड़कियाँ जो हैं मुंबई में हैं, बैंगलोर में हैं, तो मुझे लगता है वो सारी खुश हैं। लेकिन कि जो हमें एक राइट मिला हुआ था कि अब शादी हो गई तो बस। लेकिन इस डिसीजन के बाद पूरे कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर बीजेपी की वजह से ये एक प्लेटफॉर्म मिला, फ्लैश पॉइंट बना इस चीज से कि कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों का जबरदस्ती इनका जो राइट था वो छीना गया, ये स्पेशल स्टेटस था इनका। नहीं 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 नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कश्मीरियों का हक छीना गया? ये तो देखिए मैं बड़ा प्रैक्टिकल, मैं मेरा एक नेचर है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करती हूँ और कुछ घुमा फिरा के इधर उधर वाली कहानी नहीं। आप मेरे छोटे भाई हैं, आपका यहाँ पर एक मकान है, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर आपकी मैं बड़ी बहन यहाँ पर एक घर लूँगी तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा, पड़ना चाहिए? आप बताइए मुझे, मैंने आपका हक नहीं छीना है, मैं भी यहाँ पर एक अधिकार से अपना हक ले रही हूँ एंड आई विल पे फॉर इट, आई विल आस्क द सेम सिस्टम व्हाट यू हैव फॉलोड टू बाय अ प्रॉपर्टी और अ हाउस और वट एवर। सो क्यों फ़र्क पड़ेगा मैम? अब ये है कि ये बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का नहीं था, आप बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया था, आप बीजेपी मत बोलिए ना, आप ये बोलिए कि इट इज़ अ चेंज फॉर एवरी सिटीजन, इट इज़ चेंज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इट इज़ चेंज फॉर एवरी गर्ल हु वॉज स्टेइंग आउटसाइड। सो इट इज़ नॉट दैट कि मैं अगर यहाँ ले रही हूँ तो मैंने किसी का अधिकार छीन लिया। मैं आपका घर लेने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी और जगह लेने वाली हूँ। जैसे आप दिल्ली या फरीदाबाद में या हरियाणा में या राजस्थान में कुछ लेंगे तो आप वहाँ के लोकल व्यक्ति का कुछ नहीं ले रहे हैं। आप ये देखिए ना, यहाँ के लोग कई जगह पर दुनिया में काम करते नहीं हैं, वो चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, तो क्या किसी का अधिकार ले रहे हैं? ये मैम अधिकार का मसला नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया था और वही तो छीन लिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक्सप्लॉइट किया गया बीजेपी ने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के लोग कहते हैं बीजेपी ने एक्सप्लॉइट। अगर कोई व्यक्ति कश्मीर में रहता है, उसका यहाँ घर है, तो मैं उसका घर उसकी नौकरी नहीं ले रही हूँ, मैं अपने अधिकार से एक इंडियन के नाते आई हूँ। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है तो मैं कश्मीर में जॉब करूं या यहाँ पर रहूं या मैं फरीदाबाद रहूं या राजस्थान रहूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी इस भारत की नागरिक हूं और आप भी इस भारत के नागरिक हैं। मैम अब आप भी कहीं अब, पर आकर अब इशू इतना ही नहीं है कि मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आपकी नज़र में क्या चेंज हुई? देखिए मैं कल ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ब्रॉड पर्सपेक्ट बड़ा इसका बड़ा पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट है। मैं कल पढ़ रही थी कहीं पे कि जब से धारा 370 हटी है बहुत से लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, 500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ व्यवसाय में अपने आप को जोड़ा है और ज़्यादा जोड़ने वाले हैं। ये जब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट्स थी, यानी कि जब यहाँ अपनी गवर्नमेंट थी लोगों की, जब चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी उस वक्त भी इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके के इनिशिएटिव्स, इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को एंगेज करना, ये उस टाइम भी ये सिलसिला चलता ऐसा था। नहीं था, ऐसा नहीं था। आप ये देखिए कि जितना भी यूथ आप देखते थे, हमने एक वहाँ पर एक बात सुनते थे कि पत्थरबाजी में यहाँ का यूथ जुड़ गया। क्यों जुड़ा, क्यों जुड़ा? तब बीजेपी नहीं थी। आप मानती है कि उस वक्त इतनी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं थी जितनी आज है? नहीं, मेरी आप इस बात को समझिए कि ये जब पत्थरबाजी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ये क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि यहाँ का यूथ सेटिस्फाई नहीं था, यहाँ के यूथ को काम नहीं मिल रहा था। तब किसकी सरकार थी? अगर आप कहें कि भाजपा की सरकार महबूबा के साथ गठबंधन में थी तो वो तो केवल 2.5 साल थी, वो भी हमने कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट से यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहा कि यहाँ का लोकल व्यक्ति, उसको सेटिस्फैक्शन होगी कि हमारे यहाँ के लोकल जो है चीफ मिनिस्टर है या लोकल लोग हैं, भाषा की नज़रिए से आप देखें या यहाँ के लोकल बशिंदे के नज़रिए से आप देखें।
हमने तो यही पॉजिटिव सोच के साथ जुड़ा ना, लेकिन अगर जब हमने देखा कि जो हम पॉजिटिविटी कश्मीर को और जम्मू को बढ़ाने के लिए चाहते हैं वो नहीं हो रही है, जिस थीम के साथ हमने एक गठबंधन जोड़ा था वो नहीं हुआ, तो नेचुरली वील सेपरेट और वील गो अवे फ्रॉम दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉयट कश्मीर। एंड बिफोर बीजेपी इज़ गठबंधन, महबूबा की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात हम पत्थर वाली करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट पहले कहाँ थी? आप बहुत ज़्यादा फारूक साहब की चीफ मिनिस्ट्री तक मत जाएं, आप उमर साहब की चीफ मिनिस्ट्री तक जाएं, कहाँ थी तब? क्यों यहाँ का युवा इस तरह से बिगड़ा? आप और कहीं देखिए पूरे देश में कहाँ पर युवा ने पत्थरबाजी की है? नहीं की है, लेकिन यहाँ हुई। परसों पहलगाम गई तो मैंने ये देखा, मेरे ख्याल से मैं काउंटिंग भी नहीं कर पाई, 1000 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान खड़े थे। उनको क्यों खड़ा होना पड़ा? आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए, आपको और मुझे सेफ। बीजेपी का दावा है, बीजेपी क्लेम करती है कि नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल इन कश्मीर, पीस है और डेवलपमेंट है, फिर आप ही कहती है मैंने इतनी सिक्योरिटी देखी जब पीस है, जब सब कुछ नॉर्मल है। डोंट एंगेज टू थिंग्स। सिक्योरिटी का मतलब हम सुरक्षा देना चाहते हैं यहाँ के उन लोगों को जो पत्थरबाजी करते थे और अपने ही लोगों को हर्ट करते थे। वो हर्ट किसको करना चाहते थे, किसके कहने पे करना चाह रहे थे, ये हम बोलना नहीं चाहते, ये आप सब जानते हैं, मीडिया की सारी दुनिया जानती है, लेकिन उन लोगों को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो कश्मीर का बाशिंदा है, वो बच्चा कश्मीर का है और वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, वो कल को आतंकवाद में जा रहा है, उसको हम कैसे रोकें? ये इसलिए सिक्योरिटी है। और अपने ही बच्चे को गलत रास्ते पर देखकर उसका परिवार दुखी है, ये उस वजह से सिक्योरिटी है। क्या मैम मानती है कि जो चाइना के साथ लद्दाख के गलवान में स्टैंड ऑफ का जो इशू हुआ वो 370 को एब्रोगेट करने की वजह से हुई? उससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा चाइना ने वैसा कुछ किया। नहीं देखिए, जब कोई चेंजेस आते हैं तो आप उस रूल को किसी से कनेक्ट करते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद, आप ये देखिए जो प्रोग्रेस हुई वो पॉजिटिव लाइन में हुई। 500-600 लोगों ने यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया, उसमें अगर मान लीजिए मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाती हूँ तो, या कोई भी यहाँ तो 1 मिलियन लोग रहते हैं, 500-600 लोग 8 मिलियन में से, व्हाट डू यू थिंक बिगिनिंग किस तरह की होगी? एक मिनट मैं भी आपको बताऊंगी। एक परिवार में 50-60-70 सदस्य हैं, लेकिन आपकी शादी होगी तो एक ही तो बीवी आएगी, उस बीवी से बच्चे एक एक करके ही तो होंगे, कैसे करके डेवलप होगा रिश्ता भी और परिवार भी? ठीक है, 2 साल उसको आप टाइम लेंगे ना, आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि 9 महीने से पहले आपको बच्चा आ जाएगा। चले मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से ज्यादा टाइम है। मेजर डेवलपमेंट बताइए, मेजर डेवलपमेंट। देखिए मैंने जो कश्मीर में देखा, यहाँ के युवा अब पढ़ना चाहते हैं। मैंने 2-3 लड़कों से बात की तो एक लड़के ने, क्योंकि थोड़ी बहुत कश्मीरी मेचुकेशन वानन, सो मुझे थोड़ा सा पता है इसका, तो मैंने उनसे बात की तो वो यही बोल रहे थे कि अब हमको ना एक फ्रीडम लगता है पढ़ने के लिए। हमको पहले ऐसे लगता था, हमारे माँ बाप कहते थे कॉलेज जाओगे तो वहाँ पर ग्रेनाइट हमला होगा, वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये होगा, अब वो चिंता ख़त्म है उनको, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, जब पत्थरबाजी बंद हुई, जो यहाँ का मेन इशू था यूथ का, जब वो बंद हुई उसके बाद 2000 बच्चों ने, आपके जैसे युवाओं ने आर्मी ज्वाइन की, कितने लड़के यहाँ से आईएएस की प्रिपरेशन में गए? आप काउंटिंग क्यों करते हैं कि इतने मिले? ऐसे तो 135 करोड़ देशवासी हैं, उनमें से चंद लोग पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? बाकी को क्यों नहीं इफेक्ट होता? बाकी क्यों अच्छा चलते हैं? बाकी भी तो पेट, उनके साथ भी पेट लगा है, वो भी रोटी खाएंगे, वो भी परिवार को पालेंगे, वो क्यों नहीं पत्थरबाजी करते हैं? तो वो क्यों नहीं आतंक में जाते? कुछ लोग क्यों नहीं जाते? एनकाउंटर्स अभी भी हो रहे हैं, कल भी आपको हाँ, मैंने सुना, मैंने कल न्यूज़ भी देखी यहाँ पर, ये कल का मसला ये कंटिन्यू हो रहा है। देखिए जहाँ पर दिन में 10-10, 20-20 एनकाउंटर होते थे, जहाँ पर परिवार के परिवार उजड़ते थे, वहाँ पर उस स्ट्रेटजी के, नई स्ट्रेटजी के मुताबिक उनको रोकने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। और मुझे लगता है अब एक दो, हालांकि एक भी कैजुअलिटी होना हमारे लिए बहुत दुखदायी है, किसी परिवार का एक भी अगर कोई चला जाता है तो वो बहुत दुख का है, लेकिन एक धीरे से उसका रेशो कितना कम हुआ है ये आप सोचिए।
तो ये चेंज है ना, पॉजिटिव चेंज है मैम। फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन अभी भी लोग वेट कर रहे हैं, वो स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ, कैसे हम ट्रस्ट करें आप बीजेपी सरकार पे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमें तो वादा किया गया फ्लोर ऑफ द हाउस। सो आप डेढ़ दो साल के अंदर आप चाहते हैं एकदम फ्लरिश हो जाए कश्मीर और बिल्कुल आप एकदम राम राज्य की तरह दो सालों में चाहते हैं। हम आपको दो साल के अंदर राम राज्य, जल्द ही राम राज्य बना के देंगे। राम राज्य का मतलब कि सब कुछ अमन चैन सुकून, यहाँ के बच्चे बिल्कुल अमन चैन से पढ़ेंगे, देशभक्त बनेंगे और देश के लिए काम करेंगे, जो अब वो मोटिवेटेड नहीं है और जिनको अब मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन आप थोड़ा वक्त दीजिए ना, दो वर्षों में इतना चेंज हुआ, आगे आप देखिए ना कितना बड़ा चेंज होने वाला है। यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहती है कि जो बीजेपी के का कहना है कि यहाँ डेवलपमेंट हुई, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया, लेकिन ये कांग्रेस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के दौर में उसकी फाउंडेशन हुई थी, ये कैसे क्लेम करेंगे कि ये हमारी आज कश्मीरियों को कहेंगे कि ये डेवलपमेंट हमारी वजह से हुई? देखिए इमरान, मैं बहुत छोटी थी जब नेहरू पार्क जाती थी, आज भी नेहरू पार्क बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैंने किसी पत्थर पे अपना नाम लिखा होता ना, तो वो आज भी तुम्हें मिलता। क्यों? क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। बीजेपी तो अभी दो साल से आप गिनेंगे ना, इंडिपेंडेंटली दो साल से काम कर रही है। पिछले, मैंने आपको अभी यही बात बोली, महबूबा के वक्त में क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला के वक्त में क्या हुआ, फारूक के वक्त में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब अगर हम अपनी इतनी रिच प्रॉपर्टी नेहरू पार्क को नहीं डेवलप कर सके तो हमने क्या किया है? मैं कल अपनी फ्रेंड के साथ जब खीर भवानी गई, मैंने वहाँ देखा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो सारे कश्मीर का सेम ही होगा ना, वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ के काम किया? अगर मैंने तीन साल पहले कोई पौधे देखे थे, वही के वही हैं, वो बेचारे बीज अपने आप गिरते होंगे, अपने आप सीजन में उग जाते होंगे, ज़रा डेवलपमेंट नहीं है। कम से कम ऐसी जगहों पे तो हम कर सकते हैं। आप तो दो साल से हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो इससे पहले 1947 से जो यहाँ पे बना वो तो बीजेपी ने नहीं बनाया। मैं इससे पहले की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ रूटीन की बात। सरकार तो 5-6 साल के, यहाँ 6 साल का वक्त है, तो 6 साल में हमने, आप पूछिए ना उमर साहब से, उन्होंने 6 साल में क्या किया। हालांकि महबूबा जी, अमर जी, हम सब इकट्ठे एक ही उसमें पढ़े खेले हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए ना, उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज काउंट हो? उन्होंने ऐसा कुछ डेवलप क्यों नहीं किया यूथ के लिए कि बच्चा पत्थर ना उठाए? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कुछ किया कि बच्चे को बाहर ना जाना पड़े और आतंकवाद की वो बंदूक ना उठानी पड़े? ऐसा क्यों नहीं उन्होंने किया? अगर कोई नौकरी लगती है या कोई सिस्टम बनता है तो वो 1-2 साल का थोड़ी होता है, या 6 साल की सरकार है उसके लिए थोड़ी होता है, वो तो लाइफ लॉन्ग होता है ना। आपका अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो वो लंबा चलेगी, आपकी अगर कोई नौकरी स्टार्ट होगी या यूथ के लिए कोई प्लान स्टार्ट होगा तो वो लंबा चलेगा ना। ऐसे तो आप कहें कि हिंदुस्तान में फला अस्पताल था, एम्स था, अब कांग्रेस के लोग अपना डंका बजाते हैं, अपना रौब दिखाते हैं कि हमने तो एम्स हमने बनाया था। अरे 135 करोड़ देश में, मान लीजिए तब 100 करोड़ की आबादी थी, एक एम्स से क्या होगा? अब सरकार ने हर स्टेट में एम्स बनाया है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 एम्स बनेंगे, जितना एरिया है उसके मुताबिक बनेगा ना। तो आप अगर बोले 70 साल पहले हमने ये किया था, 40 साल पहले हमने ये किया था, तो जनसंख्या भी तो बड़ी है, उसके मुताबिक आपने क्या चेंजेस किए ये देखना है। एक टाइम पे गुफ्कार अलायंस को गुफ्कार गैंग का नाम दिया गया, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो इन्हीं लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, ये बीजेपी की लोग कहते हैं असलियत है। नहीं, बीजेपी ने हमेशा दोस्ती का, अपनेपन का, ईमानदारी का और काम करने की नीयत से बढ़ने का हाथ बढ़ाया है हमेशा। आप कहीं पर भी राज इंडिया में कहीं पर भी देखेंगे, किसी भी सरकार में देखेंगे, भाजपा ने हमेशा ये किया है। अभी आप गुपकार गैंग की, मेरा पूरा बचपन, वो 3 पहियों वाली साइकिल एक पैर से ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, वो पूरा बचपन मेरा गुपकार की उस ढलान पर निकला है, तो मैं जानती हूँ गुपकार रोड क्या है और आज उस गुपकार रोड को गैंग का नाम क्यों दिया गया।
क्योंकि ये लोग जहाँ डेवलपमेंट की बात होती थी तो एक ही इनका स्टेटस है, मोदी को काम नहीं करने देना। गैंग को ही क्यों नहीं काम करने, क्यों नहीं बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? पार्लियामेंट इज फॉर एवरीबडी एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव बेस्ट ऑफ योर्स। आप एक नेता बने हैं, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप अपना बेस्ट देने के लिए वहाँ आइए ना जनता को, आप अपनी बात एक्सप्लेन कीजिए ना। मैं अगर भाजपा की प्रवक्ता हूँ तो मैं भाजपा की नीतियों के बारे में बोलूँगी ना, भाजपा के प्लान्स आपको बताऊँगी ना कि हमने किसानों के लिए क्या किया, हमने युवाओं के लिए क्या किया, हमने कितने किलोमीटर रोज की सड़क बनाई, बताऊँगी ना। तो क्यों नहीं यहाँ की पुरानी सरकारें अपना डाटा देती? मैंने तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल बताया, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मुझे दुख होता है कि नेहरू पार्क भी डेवलप नहीं हुआ। मैम, जो पहले था वही का वही है। क्या टेक्नोलॉजीज चेंज नहीं हो रही? क्या नया ज़माना? क्या पुरानी सरकारों के जो नुमाइंदे थे वो फॉरेन विजिट्स नहीं करते, दूसरे देशों में नहीं जाते? से 2014 से गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है, सरकार बीजेपी की है। बिल्कुल, 14 से आज तक 7 साल हो गए, 7 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, तो आप तो बदल सकते थे। कहाँ नहीं बदला, कहाँ नहीं बदला, आप ये बताएं। हमने कश्मीर को बदलने के लिए जो जुड़ाव किया था महबूबा सरकार के साथ, क्यों किया था? यही सोच के साथ किया था कि इस एरिया के ये लोग नुमाइंदे हैं, ये लोग डेवलप करेंगे। लेकिन जब हमने देखा वो तो डेवलप करने के बदले और लोगों के एंटी होते जा रहे, एंटी करते जा रहे, उनको युवाओं को बर्बाद करते जा रहे, तो हमने स्टॉप किया कि हमको ये दाग नहीं चाहिए। हम देश के एक छोटे से छोटे बच्चे को भी बढ़ाने की सोच रखते हैं, किसी को भी हम जो है बिना पढ़ाई के नहीं रहने देना चाहते, निरक्षर नहीं रहने देना चाहते, तो ये हम लोग सोचते हैं ना। मैम, आप विमेन्स कमीशन की मेंबर भी हैं, मैन जो आपका जो मैंडेट है वो क्या है, और अभी तक आपका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या रोल रहा है जम्मू कश्मीर की, स्पेशली जो कश्मीर वैली की जो विमेन्स है उनके लिए? देखिए, क्योंकि मैं एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ विमेन कमीशन के नाते, लेकिन फिर भी जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी तब मेरे ख्याल से हज़ारों मुस्लिम बहनों ने हमारे साथ मिलकर खुशियाँ मनाई थी कि उनको एक ऐसे जंजाल से छुटकारा मिला है जिसमें वो वर्षों वर्ष फंसी रही, और आज की बेटी, आज की महिला, चाहे वो हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, देश के किसी कोने की हो, किसी छोटे से छोटे गांव की क्यों ना हो, वो बढ़ना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है। हमारा हरियाणा का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो यही नारा, यही बात, यही सोच केंद्र स्तर पर कश्मीर की बेटियों के लिए भी है। दे आर ऑलवेज वेलकम एंड दे आर गेटिंग देयर द बेस्ट सर्विसेज दे विल बी गिवन फ्रॉम सरकार, कि वो किसी भी तरीके से किसी प्रकार से मुश्किल में ना पड़े। रही विमेन कमीशन की बात, तो विमेन कमीशन में एवरी विमेन ऑफ कश्मीर इज़ वेलकम हु इज़ बीइंग टॉर्चर्ड इन द फैमिली। जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पर टॉर्चर हो रही है, मेंटल हरासमेंट है, फिजिकल हरासमेंट है, किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन है, विमेन कमीशन इज ऑलवेज फॉर हर। आप फिल्म सेंसर बोर्ड की भी मेंबर हैं जी, कैसा लगता है आपको, क्या वाकई कश्मीर में ऐसा वो एटमॉस्फेयर, वे फिजिबल एटमॉस्फेयर अब क्रिएट हो चुका है कि अब यहाँ पे, हालांकि फिल्म पॉलिसी को भी अब इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पर, तो क्या कुछ रहेगा इस हवाले से आपका रोल? देखिए, हमने बहुत से फिल्म मेकर्स को कश्मीर ने इनवाइट किया, गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है एलजी साहब ने उनकी जो बैठक ली उसके बारे में भी आपको पता होगा। तो हम फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोग फिल्म से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं कश्मीर का, अब कश्मीर का बच्चा मुंबई में सेटल हो, उसको बहुत पैसा भी देना पड़ता है, बहुत उसका टाइम भी लगता है, सारी बातें, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर में होगी और वो काम करना चाहेगा तो मुझे लगता है इससे बेहतर उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके माँ बाप भी निश्चिंत कि मेरा बच्चा बॉम्बे में जाके कहीं बिगड़ ना जाए या किसी के जंगल में ना आ जाए, कुछ भी इस तरह की बात, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। कश्मीर में मैंने अभी पिछले दिनों में कुछ प्रोड्यूसर्स को मैं जानती हूँ, यहाँ पे मैंने उनकी फिल्म्स देखी, लाइंस देखी, मिशन कश्मीर देखी, बहुत सारी फिल्म्स मैंने देखी, बेड नंबर 17 देखी, एक मेरे मिलने वाले प्रोड्यूसर ने बनाई है, मिस्टर हुसैन ने,
तो बहुत सारी फिल्म्स मैंने ऐसे देखी और मुझे लगता है मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं आगे चल के खुद भी फिल्म्स बनाना चाहूँगी कश्मीर पर, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि कश्मीर एक बेस्ट प्लेस है शूटिंग्स के लिए। मैं छोटी थी, मैंने जय जय शिव शंकर गाना देखा, चार चिनार में शूटिंग्स देखी, अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसे बहुत से गाने देखे और मैंने खुद भी बचपन में बहुत सारी मूवीज में काम किया है। चलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। धन्यवाद, थैंक यू। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ रीनू बाथियान। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक और सियासी शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।